हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आ गई हूँ अयोध्या से दिल्ली। सो मैं इंटरसिटी बस मैंने बुक की थी। इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी बस से गई थी, वॉशरूम फैसिलिटी भी अंदर था, तो मतलब एक ही स्टॉप लिया फटाफट, मतलब ऑन टाइम था। तो इफ यू आर गोइंग अयोध्या तो दिल्ली आना, तो इंटरसिटी बस मैं तो रेकमेंड करूंगी। मेरा तो टाइम, पंचुअलिटी सब कुछ प्रॉपर, मैं ऑन टाइम पहुंच गई सुबह 6 बजे यहाँ पे। सो परफेक्ट था, एकदम स्मूथ जर्नी। तो मैंने आई वॉज अ सोलो ट्रैवलर, तो मैंने आई थिंक ऑपोजिट डायरेक्शन की गई थी, तो मुझे एक सिंगल वाली लेटने वाली मिली, तो मैं आराम से सोते हुए गई सोलो ट्रैवलर की तरह। तो आई जस्ट लव इट। नाउ आई एम इन दिल्ली एंड स्टेइंग इन हॉस्टल। माई सिस्टर वॉज सपोज टू कम, इसलिए मैंने रूम ले लिया था, ड्यूप्लेक्स रूम। सो कुछ मेरे को 2,800 के आसपास पड़ा, एंड देन शी वॉज लाइक आई कांट कम अयोध्या से, उसको मुंबई जाना पड़ा। सो आज के लिए आई विल बी स्टेइंग इन दिस ब्यूटिफुल रूम, बड़ा अकेले के लिए। नॉर्मली मैं डॉर्म रूम में ही रुकती हूँ, एंड घर के लिए फीमेल डॉर्मेट्री मैंने बुक किया है। तो 2 दिन हम दिल्ली में एक्सप्लोर करने वाले, आज थोड़ा बहुत करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मैं थक गई हूँ। 3 तो बज गए, पहले कुछ खाने जाओगे, कुछ खाना खाया नहीं है। सो आई विल हैव समथिंग फर्स्ट और बाद में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। कल मैं गई थी अक्षरधाम। मैं बहुत सुना था इस जगह के बारे में, बहुत सुंदर लग रही थी, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। इट्स अ स्वामी नारायण टेम्पल, जरा आप विजिट कर सकते हो टेम्पल, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट 5 बजे के बाद ना टिकट, ये आपको लाइट एंड साउंड शो अटेंड करना है, सब टिकट्स बंद हो जाते, तो एंट्री बंद होती है, तो आपको 5 बजे से पहले ही अंदर भाग भाग के जाना पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड अपना सारे शोज है 4 बजे ना आप आ जाना उधर, 4, 3:30, 4 बजे आपका अगर फुल डे चला जाता है अक्षरधाम में। तो कल मैं तो बहुत लेट गई थी, तो मेरे 9:30-10 बजे वापस आता थे, लगा 3:40 का टिकट होता है। इफ़ यू वांट टू डू द एंटायर शो या फिर आपको लाइट एंड साउंड शो करना है, 7:15 का होता है, उसकी भी 5 बजे टिकट चालू हो जाती, एंट्री तभी ही मिलती है। तो आपको वॉट लाइट एंड साउंड शो भी आप सिर्फ कर सकते हो, विच इज़ 90 रुपीज। मैंने पूरा लिया था 340 रुपीज़। स्वामी नारायण जी की स्टोरी बताई गई थी, मूवी थी, लाइट एंड साउंड शो, बोट राइड, इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल टू नो। बहुत अच्छे से स्वामी नारायण भगवान जी की स्टोरी बताई गई है, ऐसे देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आपके पास टाइम है तो 340 के टिकट लेके ओवरऑल चीज़ करना और जल्दी निकलना, ताकि आपको यू नो 3-4 घंटे मिले अंदर ही। अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा भागम भाग हो जाता है। मेरे को बहुत टाइम लग गया था, 5 बजे मैंने चालू हुआ था, 9:30-10:30 बज गए मुझे वापस निकलते, और हॉस्टल पहुँचते पहुँचते 10 बज गए थे मुझे। सो यू कैन डू अ डे ट्रिप टू अक्षरधाम इफ यू आर इन दिल्ली, आई वुड रिकमेंड यू टू डू, इट्स ब्यूटिफुल। और आज हम लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार और सब एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स गो। मैं ना अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं पाई थी, तो कुछ 10 बजे उठी, वहाँ पे चेकआउट किया और मैं जैसे डॉर्म रूम में मैंने अपने लगेज रखा और फिर मैं चली गई थी कनॉट प्लेस। हाँ, मैं कनॉट प्लेस गई थी, बस वो हंग्री और मुझे कुछ अच्छा खाना, तो कनॉट प्लेस इज वन ऑफ दी लग्जरी प्लेस हो, कैसे कि तो मस्त वाइब्स है वहाँ के। सो कनॉट प्लेस ज़रूर जाना। और मैंने हल्दीराम से इडली खाई, वहाँ से राजीव चौक से उन्हें मेट्रो पकड़ी, लोगों को पूछ के, एंड कलकाजी मेट्रो स्टेशन उतर के मैं आ गई हूँ लोटस टेम्पल। इट्स अ ब्यूटीफुल, पूरा गार्डन है लोटस टेम्पल, इट्स अ मेडिटेशन सेंटर। तो अंदर जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, मेडिटेट करेंगे, फोन का नॉट अलाउ। यहाँ से आप देख सकते हो इसकी ब्यूटी को, पूरा गार्डन एरिया है यहाँ पे। घर से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अंदर जाके मैंने कुछ 15-20 मिनट का मेडिटेशन किया, एंड हवा भी अच्छी आ रही है बाहर देखिए, तो कहते हैं इट्स अ ब्यूटिफुल विपासना सेंटर, और यहाँ पे मैंने मेडिटेशन किया, इट वॉज रियली नाइस।
गाइस अभी वापस से मेट्रो लेके मैं जा रही हूँ कुतुब मीनार, तो ट्रेन ओबियसली चेंज करना होगा, तो लेट्स गो। मेट्रो इज मोस्ट कन्वीनियंट टू ट्रैवल एक्चुअली। मेट्रो से मैं वहाँ से ना भटक गई थी थोड़ा, मैं एक मेट्रो उल्टा ले लिया था, तो पूरा एक घंटा मेरा मेट्रो में चला गया आने और जाने में। आई वाज सो कंफ्यूज, बट दिस ब्यूटी इज वर्थ कमिंग। गेट देखना और सामने राष्ट्रपति भवन जो बहुत सुंदर दिख रहा है, यहाँ का सबसे फेमस चीज। और मुझे ना भारत मंडपम भी देखना था, इट वाज ऑन द वे ओनली, G2O का मीटिंग वगैरह होता है, सो बट बंद था, और बाहर से भी बहुत सही दिख रहा था। ब्यूटीफुल इंडिया गेट के वहाँ पे ना मैंने एक चीज नोटिस की, इतने अच्छे पार्क्स बने हुए हैं, मतलब दूर दूर तक इंडिया गेट तुम्हें दिखेगा, आपको दिखेगा, और सामने है राष्ट्रपति भवन, और पूरा ऐसे स्ट्रेचर वॉक करने के लिए, पीपल आर वॉकिंग एंड एंजॉयिंग देमसेल्फ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। इतना बड़ा स्ट्रेच दिया है वॉक करने के लिए, तो एंजॉय कर रहे हैं लोग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट डे टू एंड दिल्ली। तो एक चीज़ मुझे कल पता चली, कनॉट प्लेस से ना गुरुद्वारा, गेट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, भारत मंडपम, और एक टोप करके भी एक जगह बहुत सुंदर है। आई विल सी इफ आई गेट टाइम, बिकॉज मैं कल लेट हो गया था मुझे, और आज मैं लाल किला की तरफ जा रही हूँ वापस। सो वह पूरा एरिया ना एक ही जगह पे ना सब कुछ नियर बाय पे, एंड यू कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग इन वन डे, एंड बाद दूसरे दिन आप लाल किला, कुतुब मीनार वो सब कर सकते हो। सो या यही चीज़ मुझे पता है कि आज डे 3 है और आज मैं लास्ट डे है दिल्ली में, सो मैं लाल किला की तरफ जाऊँगी। सो आज मैं डे 3 इन दिल्ली, और आज मैं अपने एक फ्रेंड से मिली हूँ, क्रिएटर फ्रेंड सिद्धार्थ। इन्होंने मुझे बाइक पे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करवाया, और अब हम खाने के लिए आए, कुछ हेल्दी खाएंगे। आजकल छोले भटूरे और बहुत कुछ खा लिया हमने, मैंने खा लिया था, तो मैं बोला आज कुछ हेल्दी खाते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ऐसे ऑयली और वही खा रही हूँ, वही मज़ा आता है, बट कभी कभी हेल्दी खाना भी बनता है, तो लेट्स ईट समथिंग हेल्दी ना। कैफे में अभी ना ब्रेकफास्ट किया, बहुत ही सुंदर कैफे था, तो माय फ्रेंड सजेस्टेड मी टू कम हियर, तो मैं यहाँ पे आई। ओनली वो बाहर खड़े अभी, तो उन्होंने बोला तू आकर यहाँ पे जाओ और देख के। अभी पीके की शूटिंग भी हुई थी, और ये बहुत ही सुंदर सी जगह है फॉर फोटोग्राफर, इट्स अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट। सो मैं यहाँ पे आई, इट इज कॉल्ड उदर्सन की बावली, बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट है। और गाइस, तो अब हम आए रेल म्यूजियम। सो यहाँ पे टिकट, बहुत सारी चीज़ें थी, बट अभी सब बंद है, सिर्फ एक नॉर्मल जॉय ट्रेन है, फॉर 1 पर्सन 150 रुपीज़ है, तो हम वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। रेल म्यूजियम के बारे में कुछ बता सकते हो आप? रेल म्यूजियम में आपको बहुत पुराने कोचेस भी खड़े हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे पुराने कोचेस, और आप अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, और सोलो भी आ सकते हैं। तो टॉय ट्रेन अगर आपने दार्जिलिंग में नहीं किया, तो यहाँ पे आकर ऑफकोर्स मज़े ले सकते हैं। दिल्ली में आप टॉय ट्रेन के एंजॉय कर सकते। मुझे नहीं पता था रेल म्यूजियम के बारे में, वो तभी सिद्धार्थ मेरे साथ है, इसलिए वो मुझे कुछ अलग अलग चीज़ें बता रहे हो, इतनी सारी उन्होंने दिल्ली की चीज़ें बता रहे, GIP के तो रुकते हैं ना, तो ऐसे सुंदर सुंदर इतने अलग अलग जगह, और बाइक राइड पर और भी मज़ा आता अलग अलग जगह घूमने का, तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं तो आज का दिन। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर रेल म्यूजियम।
गाइस आई विजिटेड रेल म्यूजियम, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। टॉय ट्रेन में भी बैठे, बहुत मजा आया। तो मैं ना लोडी कॉलोनी गई थी, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क था वॉल्स पे, वो देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। आई वुड रेकमेंड, कुछ ऐसी चीजें भी करनी चाहिए था। आर्टवर्क वॉज जस्ट वेरी ब्यूटिफुल। अब हमारे रेड फोर्ट की तरफ, तो रेड फोर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऑनलाइन आप बुकिंग करोगे ना, आपका ऑनलाइन का स्कैन 56 रुपीज है म्यूजियम प्लस मॉन्यूमेंट, और आप डायरेक्टली ले रहे हो तो 80 रुपीज है। आप रेड फोर्ट के यहाँ पे आ रहे हो तो देयर आर 2-3 थिंग्स यू कैन गो। यहाँ पे चांदनी चौक बाजू में ही है और जामा मस्जिद भी है इफ यू वांट टू गो। तो ये तीन चीजें आजू बाजू ही है। ऑटोज भी जाते हैं अगर बहुत धूप लग रही हो तो। यहाँ पे अंदर आने के लिए भी ई रिक्शा है, क्योंकि बहुत चल के आना पड़ता है। एंड हम आए हैं रेड फोर्ट की तरफ। तीन दिन मेरा दिल्ली में, और लास्ट में मैंने इतना यमी खाना खाया। वहां पे सैंडोज करके एक जगह थी, तो मेरे फ्रेंड वहां लेके गए थे मुझे। एंड आई वाज लाइक, मैं 2-3 दिन से ना नॉर्मल दाल चावल ही खा रही थी, एंड वहां रोटी सब्जी खा के बहुत अच्छा लगा। तो मैं व्हेन आई एम ट्रैवलिंग सोलो ना, तो मैं ऐसी चीज मंगाती हूँ जो मैं अकेले खा सकूं। सो कंपनी थी तो रोटी सब्जी ऑर्डर करके आराम से मैंने खाया। तो मैं आपको ना दो मार्केट बताऊंगी जो बहुत ही फेमस है शॉपिंग के लिए वहां पे। एक है सरोजनी मार्केट और दूसरा है चांदनी चौक। तो जरूर जाना, वहां पे सारी चीजें मिल जाती है। और आप लाल किला की तरफ जा रहे हो तो चांदनी चौक तो बाजू में ही है उसके, तो आप वैसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस वॉज माई ब्लॉग इन दिल्ली। बहुत ही मजा आया दिल्ली में एक्सप्लोर करने को। एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लव यू ऑल, बाय।